हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अब एग्जाम का समय आ रहा है, तो इसको देखते हुए आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त संबंध। तो दोस्तों, इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो कई ऐसे एग्जाम है, जैसे कि टेट की अगर हम बात करें तो सी टेट ले लीजिए, यूपी टेट, और कुछ कुछ जैसे एस टेट वगैरह में भी इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी कौन सेक्शन में? मैथ वाले सेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी वगैरह का, तो एसएससी और रेलवे में या कोई भी अगर डिफेंस का एग्जाम वगैरह हो रहा है वन डे एग्जाम में, तो पुलिस वगैरह का एग्जाम वगैरह में, इसमें आपका जो है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है, और ये बड़ा ही टेढ़ा करके क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो क्वेश्चन जो है उलझ जाता है, तो हम लोग उसको एग्जाम में छोड़ के निकल जाते हैं। आज का जो वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ जाते हैं, तो हम गारंटी कहते हैं कि आपको इसका एक भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन आप धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले कि इसको हम किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे, कितने पार्ट में ये बटेगा, बाद इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों, जितना भी लोगों को अपने रिलेशन से, अपने संबंधी लोगों से डर लगता है, समझिए उसके लिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो अपने संबंधियों से जो है दूर भागते हैं, और ये चैप्टर ये पूरा संबंधी वाला है। मौसेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, साला, साली, जीजा, ससुर, ठीक है, सारे रिश्तों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, ये जो ब्लड रिलेशन जो आपका चैप्टर है, अगर हम कंपटीशन के लिहाज से देखें तो इसको हम दो रूप में बांट सकते हैं, दो भाग में बांटेंगे। सबसे पहला जो होगा वो तो होगा आपका बेसिक, ठीक है। बेसिक में क्या क्या टाइप का आएगा, किस तरह का आएगा, तो इसमें आपका जो आएगा एक तरह से इसको हम पजल्ड वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, पजल बेसिस क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है, ये जो आपका साइड है, ये वाला भाग आपका बैंकिंग में भी क्वेश्चन देखने मिलता है। बस अंतर इतना होता है एसएससी बैंकिंग में कि ये जो बैंकिंग वाला जो क्वेश्चन पूछता है, बड़ा टेढ़ा वाला से पूछता है, बड़ा लंबा लंबा पूछता है। लेकिन ये जो एसएससी पूछता है, बस वो तीन चार लाइन का क्वेश्चन पूछता है, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। खाली वीडियो को देखिए बढ़िया से। और दूसरा जो टाइप है, ये आपका एसएससी का तो समझिए एकदम दमाद वाला क्वेश्चन है, एकदम बड़ा फेवरेट। इसमें क्या है, इसमें आपका परिचय वाला क्वेश्चन पूछता है। आप देखे होंगे कई बार अपने एग्जाम में कि भाई एक एक लेडी जो है, या फिर एक एक आदमी है, वो किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए, किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए, ट्रेन में बैठे हुए किसी महिला को इशारा करते हुए कुछ कहता है, तो ये वाला टाइप परिचय वाला में आएगा, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन वाला टाइप, ठीक है। तो आज के टाइम में हम एसएससी में खास करके ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स को समझेंगे, और बेसिक अगर समझ गए तो पजल्ड भी हो जाएगा और ये परिचय वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो कलम कॉपी तैयार रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में कितने प्रकार के जनरेशन होंगे, जनरेशन कितना पढ़ना है हम लोग को, और यही जनरेशन अगर आप समझ जाते हैं बढ़िया से, तो उस हिसाब से आप किसी भी डायग्राम को बना लीजिएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले लिखते हैं G1, G2, G3, G4, G5। अब देखिए, इसमें हम लोग G5 तक जाएंगे, वैसे भी अभी 5G का जमाना है भाई, तो हम लोग 5G तक जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला वो वाला 5G ना है, ये वाला जनरेशन वाला 5G, ठीक है। और वो 5G क्या आपका इंटरनेट वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो थर्ड जनरेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन को बनाएंगे, जिस भी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा होगा, चाहे वो आप खुद के लिए सोच रहे हो या फिर किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, उसे आप कहाँ रखेंगे, थर्ड जनरेशन में। तो इसमें सबसे पहले क्या, जैसे कि अगर हम अपने बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भाई बहन, क्योंकि इसमें जनरेशन सेम की बात होगी, एक ही जनरेशन की बात होगी। देखिए, भाई और बहन क्या होता है, एक ही जनरेशन का बात होता है। जनरेशन में समझते हैं, दो चार साल का छोटा बड़ा होना, ये एक जनरेशन की बात होती है। अब हम लोग के अंदर में क्या क्या होगा, देखो भाई बहन में क्या क्या हो जाएगा, ममेरा हो जाएगा, फुफेरा हो जाएगा, चचेरा हो जाएगा, और मौसेरा हो जाएगा, ठीक है। इतने भाई होता है, चार टाइप के भाई होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब रिलेशन
की बात आती है तो या तो एक आपके फादर के साइड का, तो फादर साइड कौन कौन हो गया, चचेरा और फुफेरा, बुबुन के सॉरी माँ के साइड कौन कौन हो जाएगा, ममेरा और मोसेरा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें इससे ठीक ऊपर जो जनरेशन होगा इसमें क्या होगा। इसमें हो जाएगा इसके माता और पिता, माता पिता, उसके क्या हो जाएगा माता पिता के साथ साथ चाचा और चाची, इसके साथ साथ कौन सा हो जाएंगे मामा और मामी, उसके बाद एक हो जाएगा आपका मौसा मौसी, और जगह यहां पर है तो यहां लिख देते हैं, एक होता है बुआ और एक हो गया आपका फूफा। ठीक है, तो बस खाली इतना ध्यान दीजिएगा कि हम लोग से ऊपर वाला जनरेशन कौन हो गया, G4 हो गया। अगर हम लोग G3 हैं तो ऊपर वाला कौन हो जाएगा, G4 हो जाएगा, सॉरी G2 हो जाएगा, हो जाएगा हम ऊपर वाला, पापा माँ मामा मामी चाचा चाची फुआ फूफे सॉरी फुआ हो जाएगा, फूफा हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, मौसी हो जाएंगी, यानी हम लोग से ठीक ऊपर वाले जितने वाले पापा लोग के ग्रुप वाले हैं सब जनरेशन 2 में हो जाएंगे। अब ठीक इससे अगर ऊपर आएंगे हम जनरेशन 1 में तो इसमें जो है हो जाएगा आपका दादा और दादी, फिर हो जाएगा आपका नाना और हो जाएगा नानी। आप लोग के कई लोग के मन में चल रहा होगा कि भैया वाइफ कहाँ चला गया, पत्नी कहाँ चला गई, पत्नी कौन से जनरेशन में चला गया। तो जब हम लोग पति पत्नी की तो पति पत्नी का बात होगा तो वो जनरेशन 3 में बात होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या बताया कि जिसका भी चर्चा शुरू करेंगे तो सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे, जनरेशन 3 से। तो पति पत्नी भी इसी के अंदर में आएगा, पत्नी और पति। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें हम लोग खुद को रखते हैं जनरेशन 3 में तो उसके बाद नीचे वाला जनरेशन कौन हो जाएगा, बेटा बेटी सब हो जाएगा। तो बेटा बेटी भतीजा भतीजी और भगीना और भगीनी। आपको बस इसमें इतना याद रखना है, इतना नाम तो याद रखने काम नहीं, खाली याद ये रखना है कि हम लोग के नीचे जो भी हम लोग के औलाद के बराबर होता है, चाहे वो भतीजा हो भतीजी हो बेटा हो बेटी हो भगीना हो भगिनी हो, ये सारे हम लोग के औलाद के समान होते हैं, बेटा बेटी के समान होते हैं, तो वो सभी जनरेशन 4 में यानी हम लोग के नीचे हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर बेटा बेटी का अगर कोई औलाद है तो वो कहाँ चला जाएगा, जनरेशन 5 सबसे नयका वाला जनरेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नाती नातिन और पोता और पोती, बस इतना ही हो गया आपका पूरा जनरेशन 5। तो यही आपका जनरेशन 5 है, इसको खाली अब ध्यान से समझ लीजिए कि हम लोग जब भी चर्चा शुरू करेंगे कहाँ शुरू करेंगे, जनरेशन 3 से। जनरेशन 3 शुरू करेंगे तो ऊपर जाने पे क्या होगा, माता पिता का ग्रुप आ जाएगा, माता पिता चाचा चाची मामा मामी, ठीक है, सब ग्रुप में आ जाएंगे हम ऊपर वाले, और उससे ऊपर कौन जाएगा, दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे अब देखिए हम लोग के लिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ सकता है भाई कि परनाना और परनानी कहाँ जाएगा और परदादा और परदादी कहाँ जाएगा। तो अगर यदि हम अगर यदि हम लोग इसको देखते हैं और जनरेशन 4 की बात करते हैं तो हम लोगों का जो औलाद है उसके लिए जो हम लोगों के दादा दादी है वो कौन हो जाएंगे, परदादा और परदादी, और नाना नानी कौन हो जाएंगे इन लोगों के लिए, परनानी और परनाना। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसी 5 जनरेशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें ये नहीं करेंगे कि भाई जो है अब इसमें जनरेशन 6 जोड़ दें परनाना परनानी, तो वो अधिक हौचपौच हो जाएगा, समझने में उतना मजा नहीं आएगा। तो आप ये जनरेशन को समझ में आ गया बढ़िया से आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं कि इसमें एरो वाला क्या पूरा खेल है, ये एरो वाला खेल अगर समझ में आ गया बढ़िया से आप लोग को तो ये आपका ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जनरेशन के हिसाब से ही एरो का सेटिंग होगा। तो अब दोस्तों हम लोग एरो का देखते हैं कि क्या इसका हिसाब किताब है एरो वाला। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए नंबर से। सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि ए बी का पिता है, अगर कहीं पर ऐसा हमको काम करना पड़ा कि ए जो है बी का पिता है,
अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ आपको यहां पे देखिए हम एक बात ध्यान लगा देते हैं कि का अगर जिसके साथ जुड़ा रहे, का जुड़ा हुआ है बी के साथ, तो का जिसके साथ जुड़ा रहे आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें वो आपका आधार बन जाएगा। बी इसमें क्या बन जाएगा? आधार। यानी बी का पिता कौन है? ए है। अगर हम ऐसे पूछेंगे कि बी का पिता कौन है तो कौन है? ए है। तो बी यहां हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर यदि बी पे यहां पे चर्चा हो रहा है, बी आधार बन रहा है, तो बी को हम कहां मान रहेंगे? जेनरेशन तीन में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बी को जेनरेशन तीन में मान लिए हैं तो इसका पिता इससे ठीक ऊपर होगा, तो ऊपर यहां पे क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए एरो कहां मार दिए हम, ये जेनरेशन तीन था ना, तो इसके ऊपर कौन होगा? इसका पिता हो जाएगा, तो इसलिए एरो कहां मार दिए हम? ऊपर। तो और ऊपर में क्या लगा दिए? ए। अब यहां पे आपको एक चीज और सीखना है कि भाई अब इससे कन्फर्म कैसे हुआ कि ये पिता है कि माता है, क्योंकि एरो जो है, एरो तो ऊपर माता के लिए भी और पिता के लिए है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमको सिंबल का यूज करना होगा, प्लस और माइनस। अगर हम प्लस लगा देंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो क्वेश्चन में बोला गया है ए बी का पिता है, तो ये ए पिता हो जा रहा है, और बी जो है ये बेटा है कि बेटी है, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि बी के बारे में कुछ लिखा नहीं है। अभी जब क्वेश्चन अगर होता तो आगे लिखा होता कि बी बेटी है कि बेटा है। बात समझ में आ रहा है? अब यदि मान लीजिए इसी में कहा जाए कि ए बी का, बी की माता है, चलिए इसी को ठीक कर देते हैं, ए बी की माता है, अगर इसको हम पिता करके इसको माता कर देते हैं, ठीक है, माता है, तो फिर तो यहां पे बी आधार हो जाएगा क्योंकि का के की जहां जुड़ा रहे वो आधार हो जाता है। अब बी से पहला ऊपर कौन आ जाएगा? ए। लेकिन माता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम बी से या फिर किसी व्यक्ति का नाम से अगर हम माता और पिता के लिए एरो लगाएंगे तो हम डायरेक्टली एरो लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं कि बी का कोई एक पिता होगा एक्स और इसकी पत्नी होगी ए, तो बी की ये माता हो जाएगी। ध्यान समझिएगा कि बी का कोई पिता होगा एक्स और इसके पिता की जो पत्नी होगी वो बी की हो जाएगी, तो ये यहां पर हम इस तरह से भी डायग्राम को सेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम माता और पिता में डायरेक्ट एरो लगा सकते हैं तो डबल एरो हम क्यों लगाएं? बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए बोल दिया जाए कि भैया जो ए जो है वो बी का चाचा है। कौन है? चाचा है। तो बी भतीजा हो गया और ए चाचा है, तो भतीजा और चाचा रिलेशन कैसे होता है? तो पिता का जो भाई होता है वो चाचा होते हैं। तो सबसे पहले बी का तो एक पिता होंगे भाई, ये पिता हो गए, मान लीजिए इसको पिता बना दिए हम एक्स को, तो पिता का एरो हम डायरेक्ट लगा दिए। और ए जो है इस पिता का भाई होगा, तब तो होगा चाचा। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि भाई बहन, चाहे कोई भी भाई बहन क्यों ना हो, अपना हो या तो मोसेरा ममेरा कुछ भी हो, वो सारे जनरेशन सेम में रहता है। यानी इसमें आपका हो जाएगा ए, सेम जनरेशन हो गया। आप यहां देखिएगा एरो हम सीधा मारे हैं और पति पत्नी वाला हम टेढ़ा मारे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि पति पत्नी वाला में टेढ़ा एरो मारेंगे, आगे अभी हम उस पर भी आएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? चाचा बोला है तो ये प्लस, यानी बी का ये पिता हुआ और पिता का भाई कौन हो गया? चाचा। यानी बी का ये कौन हो जाएगा बताओ? चाचा। अब मान लीजिए यहां पे ऐसा कह देता कि भाई ए जो है बी की चाची है, अगर ऐसा बोल दे कि ए कौन है? बी की चाची है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखो। तो पहले पिता हो गया, पिता का एक भाई मान लेते हैं कि वाई है, और इसकी एक पत्नी है जो कि ए है, और माइनस कर दिए। आप ध्यान दीजिएगा पत्नी में देखिए हम क्या कर रहे हैं, एरो को टेढ़ा कर दे रहे हैं, हम जान के टेढ़ा कर रहे हैं भाई, ताकि वो स्माइल वाला दिखे और आपको ये बुझा जाए कि हाँ ये पति पत्नी है, ठीक है। ये हम जान के इसको घुमा दे रहे हैं, टेढ़ा कर दे रहे हैं, स्माइलिंग कर दे रहे हैं, भले स्माइलिंग वाला फीलिंग हो ना हो, लेकिन ये स्माइलिंग करने से समझ में आ जाएगा कि ये पति पत्नी का रिलेशन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाई की पत्नी। अब देखिए बी का पिता, पिता का भाई, भाई की पत्नी कौन हो गई बताओ? आप लोग खुद बताओ, चाची। समझ में आ रहा आप लोग को, ठीक है।
अब चलिए हम लोग इसमें एक दो और देखते हैं ताकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करें तब कोई दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों जैसे यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स वाई की मामी है, तो सबसे पहले बताओ भाई कि मामी होता कौन है। मामी होता है मम्मी के भाई का, सॉरी मम्मी के भाई की वाइफ, ठीक है, मम्मी के भाई का वाइफ। तो सबसे पहले मामी है कौन, ये एक्स है, क्योंकि का के की तो आधार बन जा रहा है, यानी ये जनरेशन तीन में हम ले सकते हैं वाई को। वाई की मामी कौन है, एक्स। तो सबसे पहले तो वाई की एक मदर होगी, उसको हम एम कर देते हैं, और उसके बाद इस मदर के एक भाई होंगे तो हम ब्रदर बी कर देते हैं, ये एम और ये बी कर दिए, प्लस ये माता और ये उसके भाई, और इस भाई का एक वाइफ है जो कि एक्स है, तो वाई के लिए ये एक्स कौन हो गई, अब बताइए आप लोग, मामी हो गई, क्योंकि माँ माँ का भाई भाई की पत्नी कौन हो गई, मामी हो गई। अब मान लीजिए इसी में कहता कि भाई जो है एक्स जो है वाई की मौसी है, एक्स वाई की मौसी है, अगर ऐसा कह देता तो हम लोग यहां बस इतना काम करते, पहले ये समझते कि मौसी कौन होती है, मम्मी की बहन मौसी होती है, तो वाई का एक मम्मी है एम, इसकी बहन किसको बना देंगे, एक्स को। अगर एम और एक्स आपस में बहन है, दोनों बहन है, तो हम ये कह सकते हैं कि माँ की बहन यानी ये अब वाई के लिए क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी। समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा भाई, जैसे कह देगा कि ए और बी बहने हैं, ऐसे कह देगा ए और बी बहने हैं, इसका मतलब ये होगा कि ए भी लड़की है और बी भी लड़की है, और अगर ए और बी बहने हैं तो ए बहन है बी का और बी बहन है ए का, यानी दोनों माइनस, और एरो जो हम लगाएंगे वो दो तरफा लगाएंगे, तो दो तरफा एरो को डबल मारने काम नहीं है, खाली दोनों ओर से एरो मार देंगे, हो जाएगा कि ए का बहन है बी और बी का बहन है ए। यही वाला काम हम भाई पे भी कर सकते हैं, अगर ए और बी दोनों आपस में अगर भाई बोल देगा तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों और मार देंगे एरो, और दोनों पे क्या कर देंगे, प्लस, हो गया, बचा रहो तो काम है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और देखते हैं भाई कि दादा वाला कंडीशन कैसे फॉलो करेगा, ठीक है, चलिए देख देखिए। मान लीजिए कहा जाए कि ए बी की दादी है या तो दादा है, दोनों बना के देखते हैं, ठीक है, पहले दादा को बनाते हैं फिर दादी को बनाएंगे, तो बी का यानी कि बी को आधार मानेंगे, अगर बी का दादा ए है तो बी का पहले कोई पिता होगा और उसका पिता कौन होगा, दादा हो जाएगा, बाप हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी दादा और नाना तक पहुंचना हो तो आप डायरेक्ट एक के एरो से नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको अपने दादा तक पहुंचना है रिलेशन में तो आपको पहले अपने फादर तक पहुंचना पड़ेगा, फादर के बाद कहां, दादा के पास पहुंचना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से कहां, दादी, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि बी का एक पिता होगा फादर, और इसके जो फादर होंगे वो कौन है, ए। तो बताइए बी के लिए ये दादा हुआ कि नहीं, और इस दादा के लिए बी कौन हो गया, पोता हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमको दादी बनाना हो तो एक काम करते हैं, इसको वाई कर देते हैं दादा, और दादा की वाइफ कर देते हैं ए को, पिता पिता का पिता का पिता दादा हो गया, और उसकी पत्नी कौन हो गई, दादी हो गई। लेकिन इसका एक डायग्राम और बन सकता है कि बी का पिता और पिता की माता, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। आपको मैंने क्या समझाया है कि पिता और माता के लिए हम डायरेक्ट एक के को एरो मारेंगे सीधे पहुंच जाएंगे, अगर हम एक एरो पिता तक पहुंच सकते हैं तो इस पिता के लिए भी इनकी माता एक ही एरो में पहुंच जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि एक क्वेश्चन बना करके एक दो क्वेश्चन, चूंकि आज वीडियो तो मेन कॉन्सेप्ट का बेसिस का है, इसका जो पार्ट टू आएगा उसमें एकदम धमाकेदार क्वेश्चन होगा, सारे पूछे क्वेश्चन उठा के लाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा मेनली कॉन्सेप्ट बेसिस वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चन में आपको देगा कि
एकलौता पुत्र या एकलौती पुत्री या सिर्फ एक औलाद, तो ये सब में अंतर क्या है जरा वो समझते। देखिए मान लीजिए कि वाई एक आदमी है, इसके तीन औलाद हैं, एक बेटी है मान लीजिए नाम है मीरा, एक और बेटी है मान लीजिए नाम है समीरा, और एक बेटी है नाम है समीर। ठीक है, तो देखिए औलाद तीन ठो है लेकिन बेटा क्या ठो है, एक ठो, तो ये कह सकता है कि मेरा एक लौता बेटा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही व्यक्ति वाई है और इसका एक ही औलाद है जिसका नाम है समीर, तो ये व्यक्ति कह सकता है कि मेरा एक लौता बेटा है, ये तो कह ही सकता है, और ये भी कह सकता है कि एकमात्र बेटा है। एकमात्र का मतलब क्या हो गया, बस एक ही गो औलाद है। ठीक है, इसका इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कई लोग फंसते हैं एग्जाम में, ये नहीं कि भाई आप जो है एकलौता और एकमात्र में अंतर ना समझें। ये हो गया एकलौता बेटा और ये हो गया एकमात्र औलाद या एकमात्र बेटा, बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं क्वेश्चन इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि देखें आप लोग कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरी दो बातों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में, खास करके इस चैप्टर के लिए, कि इस चैप्टर में अगर यदि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं हुआ, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझे और अगर आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ गया, तो समझ जाओ कि भाई आपका तैयारी बढ़िया नहीं है, आपको एग्जाम में टाइम ये किल कराएगा। और रीजनिंग पूछता ही इसलिए कि ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाए एग्जाम में, क्योंकि ई क्वेश्चन तो कोई ना कोई अगर अधिक टाइम देंगे तो बना ही लेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए और बी सी का भाई है, तो जगह कम पड़ जा रहा है, ये बी हो गया, ये ए, दोनों प्लस, ये किसके पुत्र हैं, बी सॉरी डी और ई की पुत्र हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये पिता है कि ये पिता है, ठीक है, इसलिए हम एरो भी नहीं मारे हैं। और ये भी कन्फर्म नहीं हुआ कि सी जो है लड़का की लड़की है। अब कहता है कि डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है, इसका मतलब ये एफ है, इसका ये औलाद है, पुत्री है, मैंने ये माइनस और ये प्लस, इसका मतलब ई जो है बाप है डी बी का, ई कौन है बाप है बी का और डी माता है बी का, और अगर ये दोनों इसके भाई है, मतलब कि ये तीनों औलाद है डी और ई का, बात समझ में आ गया। अब क्या बोलता है, पी ई का ससुर है, ये पत्नी होगी और ये पति होगा, तो ये डी का पिता बनेगा तब ना ससुर होगा, तो डी का पिता बना दी किसको, पी को, और पी किसका हो गया हस्बैंड, एफ का। क्यू एफ का पुत्र है, यानी इसका एक और औलाद है क्यू, इसका मतलब एफ का दो औलाद है क्यू और डी। तो बोलता है ए का पी से क्या संबंध है, ए का पी से क्या संबंध है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर दी ए का ये माता है और माता का पिता कौन होता है, नाना होता है, आपकी माँ जो है उनके पिता कौन होंगे, आपके नाना होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए का पी से क्या संबंध है, यानी कि पी के लिए ए कौन लगेगा, ऐसे घुमाइएगा, जब भी जहां से दिया रहे उससे आप ऐसे कर दिए कौन, यानी पी से कौन लगेगा ए, तो ए से मतलब पी से कौन लगेगा ए, आप देखिए नाती लगेगा, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझिए कि इस चैप्टर को कैसे आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अभी इसका जो एक और वीडियो आएगा उसमें हम इसका एडवांस यूज को देखेंगे, ताकि अगर आप सीजीएल तक भी क्वेश्चन का बनाना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा पूरी बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग पार्ट टू में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।